देश आज पालन कर स्वाधीनता दिवस और लाल किलारु एगारतम थर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पताका उत्तोलन करवासी संबोधन कर प्रधानमंत्री संबोधन में अनेक गुड़े दिग उपरे चर्चा करते प्रधानमंत्री अनेक दिग उपरे नजर पकड़ते कौन से दिग से सब नजर पकेबा से देखा सारा देश में 78तम स्वाधीनता दिवस महासमारोह पालित हो लाल किलारे त्रिरंगा उत्तोलन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय पाली प्रथम स्वाधीनता दिवस और लगातार 11 वर्ष तक लाल किलार पताका उत्तोलन देशवासियों को संबोधन करते प्रधानमंत्री पीएम मोदी 103 मिनिटर भाषण में किसी बड़ घोषणा करते विभिन्न प्रसंग में विस्तृत आलोचना को निजर खोला मत रखिंट बांग्लादेश लग रही अस्थिरता नहीं पीएम मोदी निज भाषण में मत रखी मोदी कहते विकसित भारत केवल एक भाषण नुहे ए संकल्प पूरा करने लगी आम प्रतिश्रुतिबद्ध परिवारवाद दुर्नीति यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक निर्वाचन G20 एवं कोलकाता आरजीके कॉलेज रे दुष्कर्म और हत्या घटना आदि प्रसंग में निजर मत रखी परिवारवाद और जातिवाद द्वारा गणतंत्र क्षति होमको देश को मुक्त करने को पड़ पीएम मोदी भाषण में कही आगामी 5 वर्ष 75,000 मेडिकल सीट बढ़ा कोलकाता रेप एंड मर्डर मामलें कहते राक्षसों को फांसी दिया उचित मोदी आहरी कही देश में 75 वर्ष धरी क्रिमिनल सिविल कोड रही देश को सेक्युलर सिविल कोड आवश्यकता रही राजनीति में युववर्ग को आसवा उचित 1 लाख युवक राजनीति को आने लक्ष्य तेज से कौन से पॉलिटिकल बैकग्राउंड नथिबा उचित दुर्नीति विरोध में जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहा दुर्नीतिखोर को समाज में दूरी रखा उचित भारत ओलंपिक आयोजन नहीं पीएम मोदी देखते बड़ बयान 2036 ओलंपिक्स भारत में आयोजन होबार जाउछि यार लक्ष्य भारत G20 आयोजन सफलतार सहित करमाणित जेकोसी बड़ अंतर्जात इवेंट भारत हो पार बारंबार निर्वाचन द्वारा देशर प्रगति बाधाप्राप्त हो एक देश एक निर्वाचन पर सब् राजनीतिक दल आगे बसवा उचित बोली प्रधानमंत्री मोदी एवं ये प्रधानमंत्री मोदी बड़ बयान थी और विभिन्न दृष्टिकोण को विभिन्न एंगल को प्रधानमंत्री निश्चित भाव टच कर स्वाधीनता दिवस अवसर में गत 10 वर्ष पीएम मोदी 20 बड़ घोषणा कौन कौन कर प्रधानमंत्री ताप नजर पकेबा कौन कौन रही 20 बड़ घोषणा ताकि कौन कौन सामिल होती देखो प्रथम कथा 2014 स्वच्छ भारत अभियान कथा कही मेक इन इंडिया कथा उठी 2014 2015 स्टार्टअप इंडिया कथा उठिला जितेबाला भारत आउ गोटे पद आगू गला एमएसएमई कथा उठिला 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एटी किसान मान समस्या कथ आसा 2017 जम्मू कश्मीर समस्या समाधान है न्यू इंडिया कथा उठिला धारा 370 उच्छेद 2018 आयुष्मान भारत कथ आसा गगनजान मिशन कथ आसा और 19 जल जीवन मिशन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कथा सामना को आसा जल जीवन मिशन आसा 2020 वोकल फॉर लोकल एजुकेशन पॉलिसी आसा प्राधान्य दिगला लोकल प्रोडक्ट को मार्केट को 2021-75 वंदे भारत ट्रेन नेशनल ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने कथ आसा 2022 पंच प्राण 5G टेक्नोलॉजी कथ आसा 5G टेक्नोलॉजी कथ सामिल है 23 विश्वकर्मा योजना कराला जन औषधि केन्द्र पर बेस फोकस कराला और 2024 आगामी 5 वर्ष 75,000 मेडिकल सीट बढ़ा एक बड़ घोषणा कराला तेरे मोटामोटी भाव कह देश पाई 78तम स्वाधीनता दिवस लाल किलारू लगातार 11 थर तिरंगा उड़ाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विश्वर बृहत युवशक्ति भावे सामने को आते मिनिट भाषण देते देखो 2014 प्रधानमंत्री मोदी 65 मिनिट्र भाषण देते 2015 88 मिनिट्र भाषण दे क्रमगत 11 थर जो भाषण देते तार लेखाजोखा 2016 94 मिनिट धरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभिभाषण करते यापर 2017 56 मिनिट धरी भाषण देते प्रधानमंत्री एवं आज पर्यंत जो रेकर्ड आम देखा स्वाधीनता दिवस पीएम मोदी को ये संबोधन 2018 83 मिनिट धरी भाषण देते अपन लगातार देखूँ सीमा बढ़ी बढ़ी जा 2019 92 मिनिट धरी प्रधानमंत्री देश को संबोधन करते अनेक अंतराष्ट्रीय अतिथि मैंने सामिल थे 2020 90 मिनिट धरी भाषण देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को संबोधन करते 2021 88 मिनिट धरी भाषण देते एटी अनेक अंतराष्ट्रीय अतिथि मैंने उपस्थित थे देशर कोण अनुकोण उपस्थित थे 2022 83 मिनिट धरी भाषण देते लोक अभिभाषण शुणी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2023 90 मिनिट धरी भाषण देते विभिन्न प्रसंग पर आलोचना जारी रही 2024 एथर 103 मिनिट धरी भाषण देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेरे लाल किलारू लगातार 11 थर तिरंगा उड़ाई प्रधानमंत्री और विश्वर बृहत युवशक्ति बहन करुवा देशर युवशक्ति निजर संकल्प स्वप्न पूरण पर समय आसी देख लाल
किलारो त्रिरंगा उड़ाइले मोदी कहिले 2036 भारत आयोजन करिबो ओलंपिक्स 2047 विकसित भारत संकल्प पूरण हेबो डाक्टर को हत्याकारी को फांसी दिया जाए देश आसिबो धर्मनिरपेक्ष सिविल को देश पाळिछि 78तम स्वाधीनता दिवस लाल किलारु लगातार 11 थर त्रिरंगा उड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ विश्वर बृहत युवशक्ति बहन करुवा देशर युवशक्ति निजर संकल्प और स्वप्न पूरण पर समय आसी प्रधानमंत्री देश को विकसित राष्ट्र में परिणत करने को धीरे धीरे नुहे आग को लंफ प्रदान करने को युववर्ग को आह्वान दे मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। आधुनिक भित्तिभूमि विकास पर गुरुत्व देते प्रधानमंत्री गत 10 वर्ष देश भित्तिभूमि विकास माइल खुंट अतिक्रम कर उत्तर पूर्व राज्यर आरंभ कर जंगल नीतिकूल में रोकवा देशवासियों जीवनशैली व्यापक परिवर्तन आसी पिछले एक दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, 3 करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो, हमारा पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट उसका इलाका आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाना लगा है। ओलंपिक विजेता और देशर क्रीड़ाविद को अभिनंदन जनाई प्रधानमंत्री आगो के पेरिस जीवाक पारा ओलंपिक खेला शुभकामना जन G20 सफल आयोजन आमपाई आगामी 2036 ओलंपिक आयोजन संभावना सृष्टि करी प्रधानमंत्री आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत लक्ष्य पूरण पर महाकाश विज्ञान क्षेत्र में प्रगति संस्कार उपर गुरुत्व जहाँकि भारत को विश्व शक्तिशाली देश भाव छिड़ा कर पारे तेणु आम को नीति और नियति सठिक दिगरे नहीं देश को विकास क्षेत्र में आगे ने स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। विकसित भारत सुस्थ भारत होगा जरूर तेणु देश को सुस्थ रखा आमको स्वास्थ्य और शिक्षा उपर गुरुत्व देवा पड़े। आगामी 5 वर्ष मेडिकल क्षेत्र में अध्ययन पर 75,000 सीट सृष्टि जातीय पुष्टि साधन मध्यम भविष्य पीढ़ी के स्वास्थ्य उपर गुरुत्व प्रधानमंत्री करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है। कभी कभी जो मैं सोच सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। देश में प्रचलित यूनिफॉर्म सिविल कोड रे जाति धर्म को नहीं भेदभाव अधिक रही है। देश में आगे धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड पर गुरुत्व देते मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं,
ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। देश भीतर अनेक लोक अच्छा से देशर विकास भल लगे तेणु देश प्रति एवं विकृत मानसिकता रखुवा लोक बदल आह्वान देते प्रधानमंत्री। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा को नहीं आम चिंतित, तुरंत बांग्लादेश में स्वाभाविक स्थिति फेर आशा कर प्रधानमंत्री। या सहित अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षा और शांति प्रतिष्ठा सह बांग्लादेश विकास में आम सहयोग जारी रहा प्रधानमंत्री कहते। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 7। लाल किलारू पीएम मोदी एजेंडा सेट अच्छे स्पष्ट भाव से जो एजेंडा नहीं कथा होती गोटे कथा स्पष्ट राजनीति विषय कहवा कथा मोदीजी एजेंडा सेट अच्छे तथ्य मध्य बुझापी चेषा करवा प्रधानमंत्री कौन इशारा देवा चेषा करते लाल किलारू भाषण में पीएम मोदी एजेंडा सेट थ स्पष्ट भाव जमापड़ी कौन कहे आगामी छमास देशर राजनीति में एजेंडा सेट कर दिगला आगामी छमास कौन कौन हाबक जाऊँगी एनडीए सरकार आगामी फैसलार झलक ये भाषण देखा मिली क्या उपर गुरुत्व दिज्व मोदी सेक्युलर बोर्ड रिफॉर्म एवं बांग्लादेश हिंदू को सुरक्षा कथा उठाई तापर फोकस यूसीसी को मोदी सेक्युलर कोड संहिता कलेबर देखते यूसीसी कथा उठला यूनिफॉर्म सिविल कोड बांग्लादेश हिंदू को सुरक्षा नहीं बार्ता देखते बांग्लादेश में संख्यालघु मान सुरक्षा उपर कथ उठी आशा करूँ सेठार स्थित सामान्य हे बांग्लादेश सरकार को मेसेज दिगला हिंदू को सुरक्षा नहीं देशर 140 कोटी जनता चिंतित अच्छा सेठाकर हिंदू को सुरक्षा को दुर्नीतिखोर विरोध में अभियान जारी रुर्नीति पुरस्कार दिजा ना स्पष्ट भाव मोदी जी कहते यार अर्थ केजरीवाल पी नेता विरोध में कार्यानुषान जारी रो मैंने भी दुर्नीति रिफॉर्म लगे ब्रेक जहाँ रिफॉर्म चली ब्रेक लगे ना का ब्रेक लगे ना शिक्षा निजुक्ति जोर दि जाए शिक्षा उपर फोकस बेकार वर्ग को निजुक्ति पाए फोकस ये थिला एजेंडा जहां आज मोदीजी भाषण रो स्पष्ट भाव बारी हो पड़ू।